हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग पे। तो अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ क्योंकि अब मैं चल रही हूँ बनाने डिनर। आने के बाद यहाँ पर साफ सफाई सब करनी थी क्योंकि ये सब गंदा हुआ था। दीप उनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये सब कुछ करें और हाउस हेल्पर कब से नहीं आ रही है तो आप सभी को भी पता है। हाँ बंद कर दो बेटा, मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ, बात कर लूँ फिर आप खेलना ठीक, जैसे भी लेके बैठे हैं। तो दीप बोल रहे हैं एक काम करो सिर्फ दाल चावल बना दो क्योंकि सच में इतनी थकान, इतनी दूर से आए इसके बाद ये सब कुछ साफ करना पड़ा, थकान बहुत ज्यादा लग गई है। और हम लोग शाम में आपने देख ही लिया आने के बाद चाय के साथ ब्रेड बटर खा लिए थे तो दाल चावल ठीक रहेगा। और आने के बाद मैंने काफी सारे वीडियोस भी एडिट किए, 3-4 वीडियो एडिट किए हैं। हमने कहा यहाँ पर वाईफाई है तो यहाँ पर जल्दी हो जाएगा, एडिट तो कर लिया मैंने वीडियो, बस वॉइस ओवर करके उसे अपलोड करना बाकी है। तो मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। मेरे यहाँ मायके में जो है वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम यहाँ रहने नहीं आए, हम कल चले जाएंगे। बस यहाँ आए थे ना शादी के लिए, लहंगे वहंगे जो लेने थे वही लेने थे तो हमने कहा लेने वो सब, मतलब दुकान पे जाके नहीं लेना है। अब दुकान पे कहाँ जा सकते हैं, सारी शॉप्स बंद हैं और मॉल वगैरह सब बंद हैं। तो हमारे पास लहंगे थे ऑलरेडी, कि 2-3 लहंगे हैं जो स्टिच नहीं है और एक दो ब्राइडल लहंगे हैं। मैं ले चल के दिखाऊंगी, देखूँ बहन को कौन सा आता है, तो जो उसको आएगा वो पहन लेगी, जो उसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो बस यही था, चलो चलते हैं बनाते हैं दाल चावल किचन में। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 9:15। जस्ट मैंने एक वीडियो पब्लिक किया हुआ है प्रिया दी ब्लॉग पे, इतना 9 बजे जाता है, लेकिन आज मैं जैसा कि मैंने बताया आई हूँ तो बहुत ज्यादा थकान थी, माइंड से भी उतर गया कि मुझे वीडियो डालना है और फिर लेट हो गया। और इसके बाद भी जस्ट मैंने वीडियो डाला, अब मैंने तुरंत ही ड्रेस भी चेंज कर लिया। हाँ बेटा बस बाबू चिप्स खिला रहा, तो चलो जल्दी से दाल चावल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुकर निकाल के रख दिया, आप देख ही सकते हो, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दाल, अरहर की दाल है, उसको मैंने धुल लिया हुआ है। 2 टमाटर, हल्दी जो भी मैं ले रही हूँ मैं आपको बता दे रही हूँ, नमक और पानी है। तो चलो फटाक से हम टमाटर काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, सारा काम मुझे अकेले ही करना है, जैसा कि आप सभी को पता है हाउस हेल्पर आ नहीं रही है। मतलब मैं कॉल करती तो आ जाती, लेकिन मैंने सोचा कि रहने दो, कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, इसके बाद उनको बुलाना सेफ़ नहीं है ना, तो इसलिए इसके बाद हम चलो दाल रख देते हैं पकने के लिए। दाल पक जाए फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। प्रोसेस तो आप देख ही सकते हो कि मेरा जो दाल बनाने का प्रोसेस होता है काफ़ी सिंपल होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस तरीके से दाल बनाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अरे हाँ, इसमें आपको ना 2-3 लहसुन की कलियाँ डाल देनी है और एक ग्रीन चिली काट के डाल देनी है, तो इससे क्या होगा ना कि स्वाद काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। नमक आप अपने फैमिली के हिसाब से वो तो आप डाल ही सकते हैं, काफ़ी सारे लोग नमक कम खाते हैं, काफ़ी सारे लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, तो उसी के हिसाब से है। और कैसा लगा आपको लखनऊ का ब्लॉग बताना ज़रूर, आप में से इतने सारे लोग लखनऊ को मिस कर रहे थे, दी हम आपके लखनऊ के ब्लॉग को मिस कर रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पर गैस ऑन कर रही हूँ, रख देती हूँ दाल पकने के लिए। रख तो दिया था लेकिन बाद में पता चला कुकर ख़राब है, फिर हमने दाल पलट दी दूसरे में, दाल हमारी पक गई। इसमें हमने धनिया पत्ती डाल दी और तड़का भी लगा लिया है, सिर्फ जीरा, सिर्फ और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ तेल में जीरा डाल के उसको कर लिया है। आप देख सकते हो दो दो कुकर हमें धुलना पड़ा। 11 बजे वाला हम लोग चल रहे हैं खाने, थकान बहुत ज़्यादा लगी है यार। चावल माइक्रोवेव में रख दिया था, हो गया। चलो दाल चावल भी जैसा कि हमने आपसे बताया कि दाल चावल ही बनाए हैं, खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे सुबह। गुड मॉर्निंग लखनऊ, अभी 9:15 बज रहा है और अब हम चल रहे हैं ब्रश करने। हम सब अपना अपना ब्रश घर पे भूल आए थे, मतलब हम भाई बाबू, तो फिर अभी ऑर्डर किया गया तो जस्ट मिल रहा है। अब हम चल रहे हैं ब्रश करने, इसके बाद चाय बनानी है, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ब्रश कर ले, इसके बाद आप सभी से मिलते हैं। ये हमारा टूटा हुआ अभी तक टूटा है, तो चलो मैं आप लोगों से कुछ देर बाद बात करती हूँ, अभी तक ये सही नहीं होगा, हमें लगता भी नहीं कि ये सही होगा। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, बाय। तो यहाँ पर रेडी है हमारा पोहा, चलो देख लो पोहा बनता कैसे है। वैसे तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ कैसे बना है, तो
आप लोग देख लो, रेसिपी ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है, आप इसे देखो, हम खा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिर्ची है, धनिया है और प्याज है, इन सबको हमने काट लिया हुआ है। सॉरी, धनिया पत्ती थोड़ी सी आ गई थी और चक्कू में लगी हुई थी। बाकी यहाँ पर दो आलू उबाल के हमने रख ली हुई है। यहाँ पर चिवड़ा है जिसको पोहा भी बोलते हैं, इसको भिगो लेना है, इसको धुल लेना अच्छे से। और यहाँ पर हम मूंगफली भी डाल रहे हैं और हरी मटर भी डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मूंगफली या फिर दो में से एक ही डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रख दिया पैन गरम होने के लिए, क्योंकि हमें मूंगफली रोस्ट करनी है, तो बिना रोस्ट की मूंगफली अच्छी नहीं लगती है। तो कुछ इस तरीके से आपको भून लेना है। अच्छा, पोहे में ऊपर से डालने के लिए हमने यहाँ पर नींबू लिया हुआ है। तड़का लगाने के लिए करी पत्ता चाहिए होती है, ग्रीन चिली चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमारी मूंगफली अच्छे से भून ली गई है, आप देख सकते हो। तो अब हम इसको निकाल दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका हम निकाल देंगे। अब चलो पोहा बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैन रखना है गर्म होने के लिए। जैसे ही पैन गर्म हो जाए आप डाल दें तेल। तेल कम ज़्यादा आप जिस तरीके से खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। तो जैसे ही तेल का कलर चेंज हो जाए आप इसमें करी पत्ता डाल दें और जो आपने प्याज काटी हुई है, थोड़ा सा जीरा डाल दें। इससे पोहे का जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो जीरा भी हमने डाल दिया। आप चाहें तो पोहे को जो है, काफ़ी सारे लोग बटर में बनाते हैं, बट मुझे बटर घी ये सब कम पसंद है, तो इसलिए आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज कट की हुई थी, ग्रीन चिली कट की हुई थी, वो सब डाल दिए। पोहे का भी अलग अलग तरीका होता है, काफ़ी सारे लोग कई तरीके से बनाते हैं। आप किस तरीके से बनाते हो बताना ज़रूर। तो जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा हम इसमें डाल देंगे आलू और मटर। आप चाहें तो आलू रहने दें, चाहें तो डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा जैसे ही आलू क्रिस्पी हो जाए तो आपको क्या करना है, हल्दी डाल देना है। हल्दी तो आपको डालना है कलर के लिए, नहीं तो कलर उतना अच्छा नहीं आता है ना। और पोहे का कलर अगर देखने में अच्छा हो तो खाने में तो आओ, ना ही अच्छा हो तो भी इंसान खा लेता है। कहते हैं ना कि जो चीज़ देखने में अच्छी हो तो खाने का ऑटोमेटिक मन कर देता है कि यार मुझे खाना है। थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने। अब डाल देना है आपको पोहा। मूंगफली हम बाद में डालेंगे ताकि थोड़ा सा ना जो उसकी बाइट है वो फील हो, क्रंचीनेस जो उसकी है वो रहे। तो यहाँ पर पोहा धुल के रख लिया गया है, पानी उसका अच्छे से निचोड़ लिया गया, आप देख सकते हो ड्राई हो गया है। ज़्यादा ड्राई नहीं, कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब आपको डाल देना है पोहे को और अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, दी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, डीएम आ रहे हैं, दी आप रील्स डाल रहे हो बट ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, क्या रीज़न है? तो फ्रेंड्स, रील्स कुछ सेकेंड्स की होती है जो कि अपलोड हो जाती है, बट वीडियो काफ़ी लंबी फाइल होती है तो अपलोड नहीं हो पा रही है। हम गाँव में हैं, यहाँ नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आप सभी को पता है, आधी तूफ़ान बारिश है सब कुछ है, तो उसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा पोहा बन गया है। प्लीज़ आप लोग मतलब थोड़ा सा सब्र रखिए, ब्लॉग तो आ ही जाएगा और एक से बढ़ के एक ब्लॉग आने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग। तो बस अब थोड़ा सा नींबू रस डाल दीजिए आप। अभी हम चल रहे हैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने। आरती हमारे लिए चाय बना के आ गई हैं। जैसे उनको पता चला हम फोन किए कि हम आ गए हैं, तुरंत चली आई। ये है हमारी चाय, आप देख लीजिए, चाय पी लें, इसके बाद आप सभी से मिलते हैं, ठीक है, बाय। फ्रेंड्स, अभी शाम के बज गए हैं 5:30, आप देख सकते हो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम आरती को भी रोक लिए, बोले नहीं अभी मत जाओ, जब हम चले साथ में चलना, क्यों आरती? ठीक है, तो हम लोग निकल गए हैं, कार में हैं, आप देख ही सकते हो। और ये चीज़ ना, जब भी हम घर जाने लगते हैं, इकाना ये पड़ता है, स्टेडियम है, तो इसे हम ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। याद होगा पहले जब हम सीतापुर मतलब रहते थे, वहाँ से आते जाते थे, तो ये बना नहीं था। अभी आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मतलब सारी चीज़ें हैं। पहले यहाँ पर खाली खाली सा सब हुआ करता था, अभी देखो यहाँ पर इतना बड़ा मॉल बन गया है,
स्टेडियम जो ये भी बन गया है, तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिलहाल तो मॉल बंद है, रीज़न तो आप सभी को पता ही है, लखनऊ पूरा बंद है। सो आप देख ही सकते हो हम लोग आ गए सुबह का, शायद नेहा ने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, हम घर आ गए हैं क्योंकि घर पे काफी सारा काम है। अभी ब्लॉग हमारा काफी लंबा भी हो गया है ना, सो मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम हमारी सिस्टर के साथ कहीं जा रहे हैं, तो देखना जरूर। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय, सी यू सो लॉट्स ऑफ लव।